बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला की रहमत, फजल, करम और शुक्र के साथ आज का वराग शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से जान लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर हैं। तीनों भाई हैं जिनका तल्लक पाकिस्तान के शहर सियालकोट से है। उनका नाम मुबशर सदीक, मुदस्सर सदीक और जैन अबदीन। ये तीनों भाई बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, और स्पेशली जो मुबशर सदीक हैं, जो विलेज फूड सीक्रेट की वजह से बहुत मशहूर हुए। इवन दो उनका बीबीसी न्यूज़ ने भी उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसके अलावा बहुत सारी, मतलब दूसरी जो फेमस शख्सियात हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी उनके गांव का, उनके शहर का विजिट करती हैं। लेकिन आज की वीडियो में जिस चीज़ का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो उनके मतलब मैं पिछले कुछ टाइम से ये फील कर रहा हूँ कि मतलब जिस तरह उनको फेमस मिली है यूट्यूब से, और ये यूट्यूब से जो शोहरत मिलती है या फेमस मिलती है, या जिसकी मतलब उनको दौलत उनके पास आती है जिनकी वजह से वो आप और हम जैसे व्यूअर्स होते हैं, जो उनकी वीडियो को देखते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनके वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो उनकी वजह से ही मतलब आजकल जो उनकी नाम और पहचान है, वो सिर्फ हम सब की वजह से है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके सब्सक्राइबर हैं, उनके व्यूवर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। लेकिन आपने भी कुछ फील किया होगा कि उनकी कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं जो मतलब वो लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं कि आप हमारे गांव मत आइएगा, आप हमारे घर मत आइएगा, हमारा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, देखें, अगर आप इतने मशहूर हो चुके हैं, अगर आपको कोई मिलने जाता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो ज़ाहरी बात है वो आपके साथ मिलकर ही वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ना कि उधर जाकर आपके गांव के या दूसरे तीसरे वो करेगा। ठीक है, कोई भी इतना नहीं होता कि वो किसी के घर जाकर उसकी बेइज्जती करे। ठीक है, हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि मतलब कोई जाके वहाँ पे इस तरह की वीडियो बनाए, ठीक है, वो आगे फिर आपकी परमिशन के बगैर अपलोड करे, वो चीज़ गलत हो सकती है। लेकिन आप हाथ जोड़कर इस तरह लोगों से माफ़ी मांगे कि यार मुझे माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, ये चीज़ देखें, आपको जो कुछ मिल रहा है वो इन्हीं व्यूअर की वजह से मिल रहा है। अगर आपको शोहरत मिली गई है, आपने अगर नाम बना लिया है, अगर आपकी वजह से किसी को मिल सकती है, मतलब कोई YouTube से अर्निंग शुरू कर सकता है, कोई YouTube से फेमस पा सकता है, तो ये एक मेरे हिसाब से एक सदका जारिया होगा। ठीक है, इसमें हम सबको एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के साथ सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, उनको भी ग्रो करना चाहिए, उनको भी YouTube फैमिली में लेकर आना चाहिए। हम सब पाकिस्तानियों में ये चीज़ है, जब हम मशहूर हो जाते हैं तो फिर अपने से नीचे को बिल्कुल बुला देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। हम ये हमारा अखलाकी हक है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, ना कि किसी पे बिला वजह पे इस तरह का चीज़ इल्ज़ाम लगाएं। ठीक है, और हम जो व्यूवर्स हैं, या हम जो आप कह लें कि यूट्यूबर हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं, और हमको भी मतलब उनका ख्याल करना चाहिए। आजकल की बहुत सारी वीडियो में ऐसी मतलब वीडियोस आ रही हैं जिन पे मतलब
उनके बारे में बयान किया जा रहा है कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। मैं किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं डिस्कस करना चाहता, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा अगर इनकेस अगर आप को मिलने को जाता है, ठीक है, आपके गांव, आपके शहर, ठीक है, आपके कस्बे में, तो उसकी इज्जत करें। उसके साथ अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करानी है तो वीडियो रिकॉर्ड कराएं। और ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो वहाँ जाके मतलब कोई इस तरह का चीज़ ना करें तो ताकि उनको उनके मतलब गांव में या कस्बे में कोई बदनामी का सामना ना हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जहाँ पे भी देखेगी देखी जाएगी, ठीक है, इसको सराहा जाएगा और इसको मज़ीद मज़ीद अगर इसमें से कुछ गलती कमी बेशी रह गई है तो इंशाल्लाह मेरे आने वाली वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा मकसद है वो यूट्यूब को प्रमोट करना है पाकिस्तान में। तो यूट्यूब कैसे प्रमोट है, इस तरीके से ही होगा, जो फेमस यूट्यूबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन करें, कोऑपरेट करें और उनको भी आगे लेकर आए ताकि पाकिस्तान में गुरबत बेरोज़गारी का खात्मा हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इन बातों पर अमल करेंगे और इन पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगियों को खुशहाल करेंगे। इसके साथ मैं वीडियो को खत्म की तरफ लेकर जाता हूँ। आप सबका हमी नौ सौ